हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है एनर्जी इन अ सॉलिनॉइड। एनर्जी इन अ सॉलिनॉइड, इस पर बोर्ड का ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन किसी पर्टिकुलर बुक में ये सही ढंग से एक्सप्लेन नहीं किया हुआ है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द एनर्जी इन अ सॉलिनॉइड। सॉलिनॉइड के लिए हमने पिछले वीडियो में देखा था, एनर्जी इन अ सॉलिनॉइड इज इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, और उसका फार्मूला होना था इजिकल्स टू हाफ एल आई स्क्वायर। इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट में ले लिया। आई इज द करेंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट, एल इज द कॉफिशियंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, राइट। बट फ्लक्स वेन द करेंट पासिंग थ्रू द इंडक्टर, then flux is changed through it. The amount of flux is equals to होता है L I. Also flux का formula होता है N B dot A, right? N total number of turns in the solenoid, B magnetic field. हम लोग जानते हैं कि अगर करंट को पास कराएं किसी सॉलिनॉइड में तो इसके अंदर क्या होगा, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है। तो ये हो गया बी और ए। ए इज द एरिया वेक्टर ऑफ द सॉलिनॉइड। सॉलिनॉइड के इस सेक्शन को अगर हम ले तो ये, और ये हो गया हमारा एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन। सो N is equals to B A cos 0 degree। हमने देखा यहाँ एरिया वेक्टर का डायरेक्शन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट लिया है, मैग्नेटिक फील्ड का भी डायरेक्शन इधर की तरफ है, यानी एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर इज 0 degree। सो N नंबर ऑफ टर्न्स, B A cos 0, और phi is equals to हो जाएगा N B A। इक्वेशन थर्ड, फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड वी गेट एल आई इज इक्वल्स टू एन बी ए, और एल इज इक्वल्स टू हो जाएगा एन बी ए अपॉन आई, राइट। कॉफिशियंट ऑफ क्या निकल गया हमारा, सेल्फ इंडक्शन, मैग्नेटिक फील्ड इन द सॉलिनॉइड और इनसाइड द सॉलिनॉइड, बी इज इक्वल्स टू होता है म्यू नॉट एन आई। आप लोगों ने पिछले चैप्टर में पढ़ा होगा इंडक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड इन द सॉलिनॉइड और इनसाइड द सॉलिनॉइड इज इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई, वेयर एन इज द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, एल इज द लेंथ ऑफ द सॉलिनॉइड एंड टोटल नंबर ऑफ टर्न इज कैपिटल एन। सो वी कैन राइट बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट एन अपॉन एल आई, यहां पर रख दीजिए वैल्यू, और एल इज इक्वल्स टू एन बी, बी फॉर म्यू नॉट एन एल आई, और क्या बच गया ए, ए और आई। सो आई एंड आई कैंसिल हो गया, एल इज इक्वल्स टू हो गया म्यू नॉट एन स्क्वायर ए अपॉन क्या एल। इस वैल्यू को हमने इक्वेशन फर्स्ट में रख दिया, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इज इक्वल्स टू हाफ एल की जगह पर म्यू नॉट एन स्क्वायर ए अपॉन एल और आई स्क्वायर, राइट। तो एनर्जी इन द सॉलिनॉइड और एनर्जी इन द सॉलिनॉइड म्यू नॉट एन स्क्वायर ए आई स्क्वायर अपॉन
टू एल. दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी इन द सॉलिनॉइड, और वी कैन से पोटेंशियल एनर्जी इन द सॉलिनॉइड. स्टूडेंट्स, फॉर एनी क्वेरी और क्वेश्चन कमेंट बिलो, एंड फॉर मोर वीडियोज सब्सक्राइब आवर चैनल. थैंक यू.